Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com and in Python. Till now we discussed the following topics. In this episode we are going to discuss about installation of NumPy in Python. So NumPy ko install karne se pehle hum ye zarur check kar lena chahiye ki hamare system ke andar Python install hona chahiye. साथ ही हमारे कंप्यूटर के अंदर PIP भी इंस्टॉल होना चाहिए और इन दोनों को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं. सो अब हम देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल NumPy. बहुत ही इजी टास्क है, हमें कुछ नहीं करना है. पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो. जस्ट यहाँ पर हमने PIP को यूज़ किया, देन हमने इंस्टॉल, देन मुझे इंस्टॉल करना है NumPy. एंटर प्रेस कर दिया हमने. ये थोड़ा टाइम लेगा बट हमको वेट करना है बिकॉज NumPy यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है. ओके, सो यदि आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड NumPy 1.19.1. सो NumPy को इंस्टॉल करने के बाद हमें NumPy को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, देन NumPy नाम के मॉड्यूल. अब मुझे ये चेक करना है कि जो हमें NumPy इंस्टॉल किया है उसका वर्जन क्या है. अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे NumPy मॉड्यूल को डॉट. हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, वर्ज़न. एक्चुअली हम देख चुके हैं कमांड लाइन पे कि हमने कौन सा वर्ज़न इंस्टॉल किया है, बट पाइथन प्रोग्राम की मदद से भी हम चेक कर लेते हैं. सो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ डी ड्राइव में easyexamnotes.py के नेम से. सो यदि हम देखें वर्ज़न हमको दिखाई दे रहा है 1.19.1. Now question for you, which command is used to install NumPy? Please comment your answer. Now in next episode we are going to discuss about creating array using NumPy in Python. Thank you for watching.